हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सिमेट्री एंड ग्रुप थियोरीज के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले जहाँ पे आके हमारी गाड़ी रुकती है वो है सिमेट्री एलिमेंट्स। सी बेसिकली सिमेट्री का मतलब होता है कि आप अगर नेचर में भी देखें तो भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं इस कुदरत में, अब भगवान का हो या जो भी आप उसको कहना चाहो, कोई फोर्स या एनर्जी, जिसने भी ये बनाई है कुदरत या कायनात जिसने बनाई है, उसने बड़ी सिमेट्रिकली इन चीज़ों को बनाई है। मतलब आप बटरफ्लाई को देख लीजिए, आप जितनी भी चीज़ें, आप अपनी ह्यूमन बॉडी को देख लीजिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप अपने आप को देखेंगे, यू आर सिमेट्रिकल। मतलब आपकी लेफ्ट साइड बॉडी और आपकी राइट साइड बॉडी आपको ऐसे लगेगी आइडेंटिकल, अगर ऐसा लगेगा बीच में मिरर लगाया हुआ है। तो हमारे मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं केमिस्ट्री में, उनमें भी बहुत हद तक सिमेट्री पाई जाती है। सी किसी मॉलिक्यूल को अगर मुझे ये पता करना उसमें सिमेट्री है या नहीं, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं उसे घुमा के देख सकता हूँ, क्या वो मॉलिक्यूल घुमाने के बाद एक जैसा दिख रहा है, मैं उसके अंदर कोई प्लेन बना के देख सकता हूँ। तो हमारे पास ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है। जब मैं उस मॉलिक्यूल को घुमाता हूँ, या तो उसको गोल घुमाता हूँ या उसमें कोई प्लेन लगा के देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो सी जब ऑपरेशन होता है तो वो बिना सिमेट्री एलिमेंट्स के अधूरा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, मुझे कहीं पे कुछ लड़ाई करनी है, तो लड़ाई करने के लिए आई नीड सम वेपन, आई नीड अ गन और आई नीड समथिंग। तो जो चीज़ मेरे पास होगी वो एलिमेंट होगी, और जब मैं लड़ाई करने जाऊँगा वो एक ऑपरेशन होगा। तो सिमिलरली जब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सिमेट्री ऑपरेशन करना है, मुझे देखना है क्या यह मॉलिक्यूल सच में सिमेट्रिकल है या नहीं, मैं घुमा के उसको उसमें प्लेन लगा के कुछ तो करके मैं देखूंगा, तो बिना सिमेट्री एलिमेंट्स के वो पता करना भी मुश्किल हो जाता। तो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में 5 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, मेन 5 सिमेट्री एलिमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दूसरा आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम CN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे N इज ऑर्डर ऑफ एक्सेस, N को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्सेस, ठीक है। उसके बाद में प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री जिसको SN, अगेन N का मतलब ऑर्डर ऑफ एक्सेस हो जाएगा, इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हम मॉलिक्यूल्स को कैसे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री को पहचान सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब कोई मॉलिक्यूल लेते हो सकता है उसमें ये पाँच के पाँच आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है, कोई गायब हो, कुछ ना हो, बट जब भी ये 5 के 5 सिमेट्री एलिमेंट्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये 5 के 5 सिमेट्री एलिमेंट्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, जहाँ पर वो सब कुछ, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स आके एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ऑल द सिमेट्री एलिमेंट कंटेन इन अ मॉलिक्यूल पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक ऐसा यूनिक पॉइंट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में जब मैं वीडियोज़ बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं, सी वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन में तो कोई फर्क नहीं होता, अब वो अलग बात है कि अब आइसोटोप लेके आओगे तो कहोगे एक तरफ ड्यूटेरियम है और एक तरफ नॉर्मल हाइड्रोजन है, एक तरफ ट्रिटियम है, ट्रिटियम है, एक तरफ नॉर्मल हाइड्रोजन है। बट मैं 2 नॉर्मल हाइड्रोजन्स को लेके आता हूँ, 2 नॉर्मल हाइड्रोजन, या चलो अगर आप खुश होना चाहते हो मैं यार ड्यूटेरियम भी ला सकता हूँ, बट लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, 2 हाइड्रोजन्स के साथ बात को शुरू करते हैं। मान लीजिए ये ऑक्सीजन में ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, वो हाइड्रोजन नंबर 2 है, आप किसी एक हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस मान लीजिए। मान लेते हैं मैं ये वाला जो पर्पल कलर में थोड़ा दिख रहा है, इसको मैं अपना हाइड्रोजन मान लेता हूँ, अपना रेफरेंस मान लेता हूँ। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूँ तो वो ये प्लेन है, कैन यू सी दिस प्लेन, ये इस प्लेन में बैठा हुआ है, ये 3-डायमेंशनल नहीं है, ये 2-डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह आप निकालोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो दूसरी स्टोरी है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सिर्फ 3 एटम को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इस प्लेन में बैठा हुआ है, तो अगर मैं एक एक्सेस यहाँ से लूँ और इस मॉलिक्यूल को इसके अक्रॉस घुमाऊँ और 180 डिग्री का रोटेशन दूँ, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर 180 डिग्री का रोटेशन क्यों दे रहे हो, 10 डिग्री का क्यों नहीं दे रहे, 50 डिग्री का क्यों नहीं दे रहे, 90 डिग्री का क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो सब देने के मुझे फ़ायदा क्या है। तब पूछोगे 180 डिग्री का फायदा क्या, भाई है फायदा है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमाता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं सर्कल बना देता हूँ, दूसरे हाइड्रोजन के यहाँ मैं स्क्वायर बना देता हूँ, 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद ये हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा और वो वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे मॉलिक्यूल में कुछ हुआ ही नहीं है। वो हमें पता है कि हुआ है,
हाइड्रोजन की पोजीशन स्वाइप हो गई है, बट अगर एक नॉर्मल आदमी होता जिसे अगर मान लीजिए दिखाओ आप, तो उसको लगेगा कुछ नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल रोटेट कहाँ हुआ है, हाइड्रोजन उधर ही है, हाइड्रोजन उधर ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस, ये हाइड्रोजन की पोजीशन स्वाइप होकर वहाँ चली गई है, इसीलिए 180 डिग्री का रोटेशन किया। 90 डिग्री रोटेशन करके मेरे को क्या मिलता, अब 180 डिग्री रोटेशन करने से क्या हुआ, ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी मॉलिक्यूल की, जिसको हम इनिशियल या ओरिजिनल कॉन्फिगुरेशन कहते हैं। 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद उस मॉलिक्यूल की पोजीशन ऐसा लग रहा है सेम है, बट सेम नहीं है, वो उसके जैसी है। ये ओरिएंटेशन या ये कॉन्फ़िगरेशन अगर इस वाटर मॉलिक्यूल की देखो, वो सेम नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है। कैन यू सी, ये हाइड्रोजन जो यहाँ हुआ करता था अब वो वहाँ चला गया है। तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट द इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट, मतलब उसके जैसा पर वो नहीं है, उसके जैसी है। अच्छा, इसका एक बार और 180 डिग्री रोटेशन कर दो, तो अगर इस मॉलिक्यूल को एक और बार 180 डिग्री रोटेशन कर दें, तो जो हाइड्रोजन वहाँ गया था पहले 180 डिग्री रोटेशन में, वो दोबारा वहीं पर आ जाएगा। अब मुझे मिलेगी इक्विवेलेंट नहीं, ओरिजिनल या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मान लीजिए मैं पहली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करूं और दोबारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आऊं, मैंने बीच में दो बार रोटेशन किया, अब तुम बोलोगे सर 10 बार भी तो कर सकते थे, अरे पर फ़ायदा क्या था वो 10 बार करके, मुझे 180 डिग्री का रोटेशन करके फ़ायदा हो रहा था, उसके जैसा मुझे ओरिएंटेशन मिल रहा था। तो आपको अगर एक मॉलिक्यूल को रोटेशन करना स्टार्ट करो, तो कितनी बार बीच में उसके जैसी सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, हम उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सेस, यानी आपने उतनी बार उसे घुमाया ओरिजिनल लाने से पहले। जैसे इस मॉलिक्यूल को मैंने घुमाना स्टार्ट किया, पहला रोटेशन करने पे मुझे इक्विवेलेंट या इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिली जो उसके जैसी थी, दोबारा रोटेशन करने पे वो मिल गई, मतलब मुझे इसी मॉलिक्यूल को स्टार्ट करके अगर उसी जैसा दोबारा लाना है, तो बीच में मुझे उसको दो बार घुमाना पड़ा 180 डिग्री से, क्योंकि 180 डिग्री पे पहली बार घुमाया तो उसके जैसा मिला। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपने घुमाया तो ओवरऑल तो आपने 360 डिग्री कर दिया, ओवरऑल तो आपने 360 डिग्री घुमाया, पर इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन जो आई वो कितनी डिग्री से घुमाने के बाद आई, सर 180 डिग्री से। भाई 360 से घुमाऊंगा तो वापस मेरा मॉलिक्यूल तो वही आ जाएगा ना, लेकिन जब तुमने 180 से डिग्री से घुमाया तो पहली बार इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन आई। तो 360 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूं, मेरा आंसर कितना निकल के आएगा, 2। इसका मतलब अगर मुझे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करना है और वही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा वापस लानी है, तो मुझे उसे दो बार रोटेशन करना पड़ेगा, और जब पहला रोटेशन करूंगा तो उसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दोबारा करूंगा तो वो ओरिजिनल वापस आ जाएगी। तो इस एक्सेस को, ये जो एक्सेस है, इसको हम कहेंगे सी, हम उसका नाम देंगे सी, और ये एक्सेस जो है यहाँ पे दो बार रोटेशन करना पड़ता है ओरिजिनल लाने के लिए, तो इसे C2 कहेंगे। तो जो आप n निकाल रहे थे ना, n, वो ये n का फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज n का फॉर्मूला? सर n का फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टीटा, जहाँ पे टीटा क्या होता है, कितना मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन होना चाहिए जिससे कि मुझे पहली इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिले। जैसे एक एग्जांपल के साथ दूसरा लेते हैं, मेरे पास BH3 मॉलिक्यूल है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स को कॉन्फ़िगरेशन से सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन को मैं सर्कल बना देता हूँ, और इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ऐसा करली सर्कल बना देता हूँ। अब एक काम करते हैं, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस मॉलिक्यूल को घुमाते हैं। मुझे बताइए मिनिमम कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा? सर 120 डिग्री से, क्योंकि जैसे ही मैं इसको 120 डिग्री से घुमाऊंगा, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ आ गया, ये वाला हाइड्रोजन जो था वो यहाँ चला जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो था वो वहाँ चला जाएगा। तो 120 डिग्री का पहला रोटेशन हुआ मिनिमम, 90 भी हो सकता था, तुम इसको 90 डिग्री से घुमा देते पर उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता, ऐसे तो मैं कितने ही एंगल से घुमा सकता हूँ। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को दोबारा 120 डिग्री से घुमाइए, तो ये तो करली सर्कल हाइड्रोजन था वो यहाँ आ जाएगा, जो ये सर्कल था वो यहाँ चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट था, जो यहाँ प्रेजेंट था वो यहाँ चला जाए। आपको समझ में आया? अच्छा, एक काम कीजिए, दोबारा 120 डिग्री से घुमाइए। अब अगर आप दोबारा 120 डिग्री से घुमाते हो, यानी तीसरा रोटेशन करते हो, तो पहला मॉलिक्यूल जैसा था, जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी थी, जिस तरीके से हाइड्रोजन अटैच थे, आपको सिमिलर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये सर्कल जो था वो यहाँ चला जाएगा, और एक कर्ली जो था वहाँ चला जाएगा सी। ये सिंबल्स हैं सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डोंट यू फील, आपने 360 डिग्री का रोटेशन अगर कर देते तो सेम मॉलिक्यूल आ जाता, अगर डायरेक्ट 360 का करते, पर हमने बीच बीच में रुक रुक के गए। क्यों? क्योंकि पहले 120 पे अरे उसके जैसा है, दूसरे 120 पे अरे सेम है ना, जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं, आइडेंटिकल हैं,
इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिकल हैं, इंडिस्टिंग्विशिबल हैं, पर उसके जैसे नहीं हैं, दे आर नॉट इनिशियल या ओरिजिनल। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया। तो 360 डिग्री को तुमने कितने से घुमाया, 120 से, आंसर कितना निकल के आएगा, 3। इसका मतलब ये एक्सेस आपकी C3 एक्सेस है। इस एक्सेस पे 3 बार रोटेशन करोगे 120 120 120, तब जाके वो दोबारा सेम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट फाइनल तक आने पर आपको 3 बार घुमाना पड़ेगा, और तीनों बार जब आप घुमाओगे आपको उसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और फाइनली सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो इनको हम कहते हैं रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री या रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नाउ रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री 2 टाइप की होती है। पहली होती है प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशनल एक्सेस, दूसरी होती है सिंपल और सेकेंडरी रोटेशनल एक्सेस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सी देखिए, जिस रोटेशनल एक्सेस पर ऑर्डर सबसे मैक्सिमम आएगा, मतलब वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जितने कम एंगल से वहाँ मल्टीपल टाइम्स घुमाना पड़ेगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊँ, ये BH3 के एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ BH3 में ये एक्सेस है ना, ये एक्सेस, इसका पहला रोटेशन 120 डिग्री से करो, एक हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते हैं चलो, इसको पहले से रोटेट करो तो ये यहाँ चला जाएगा। दूसरा 120 डिग्री का रोटेशन करो तो ये यहाँ चला जाएगा। तीसरा 120 डिग्री का रोटेशन करो तो वो दोबारा वहीं आ जाएगा। मतलब इस एक्सेस को तुमने, इस एक्सेस पे तुम 3 बार उसको घुमाओगे, पहली बार घुमाओगे, दूसरी बार घुमाओगे और तीसरी बार जब घुमाओगे तो सेम उसके जैसा मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ यही एक्सेस है यहाँ पे जहाँ पे आप रोटेशन कर सकते हो? जी नहीं, यहाँ पर और भी एक्सेस हैं। सी देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एक एक्सेस आपको यहाँ ऐसी दिखेगी, कैन यू सी दिस, जो बोरोन और हाइड्रोजन से गुजरेगी। अब इस बोरोन हाइड्रोजन की एक्सेस का फ़ायदा क्या होगा? आपको यहाँ पे कितनी बार घुमाना पड़ेगा? देखिए, बोरोन और हाइड्रोजन से गुजर रही है तो बोरोन हाइड्रोजन वहीं के वहीं पे स्पिन करेंगे। मतलब ये लोग वहीं के वहीं पे स्पिन करेंगे, इस तरीके से स्पिन करेंगे, क्योंकि आप इसको यहाँ से घुमाने वाले हो, उसको वहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाओगे। तो आपको नहीं लगता पहला रोटेशन करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो पीछे चला जाएगा? कितने डिग्री से करने पर? 90 डिग्री से करके कोई फ़ायदा है क्या? 10 डिग्री से करके फ़ायदा है क्या? नहीं सर, 180 डिग्री करने से फ़ायदा है, क्योंकि 180 डिग्री करूँगा तो मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलने का चांसेस है। ये वाला जो हाइड्रोजन है 90 डिग्री करने पर, ये हाइड्रोजन घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाला वहाँ चला जाएगा। दूसरा 180 डिग्री करूँगा तो सर आइडेंटिकल वनी सेम वैसी ही इनिशियली ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो क्या मैं इस एक्सेस को यूँ कह सकता हूँ यहाँ पे 2 बार रोटेशन करना पड़ता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए? पहला 180 डिग्री का रोटेशन इक्विवेलेंट बनेगी, दूसरा 180 डिग्री का रोटेशन सेम बन जाएगी। क्या मैं इसको C2 एक्सेस कह सकता हूँ? जी हाँ, मैं कह सकता हूँ। सर यहाँ पे एक और एक्सेस है, अगर इस बोरोन और इस हाइड्रोजन से एक एक्सेस को गुजारा जाए तो? अरे सर, सेम फंडा हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन के बीच में रोटेशन होगा, और अगर इस हाइड्रोजन और इस बोरोन से एक्सेस को गुजारा जाए तो? सर सेम फंडा। मतलब अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, इस BH3 मॉलिक्यूल में 3 ऐसी एक्सेस मुझे मिल रही हैं जो बोरोन हाइड्रोजन से गुजरेंगी, जहाँ पर 180 डिग्री का रोटेशन करने पर मुझे सेम सिमेट्री दिखाई दे सकती है। तो इन एक्सेस को हम क्या कहेंगे? C2 एक्सेस। क्या कहेंगे? C2 एक्सेस। और एक यहाँ पर ऐसी भी एक्सेस थी जो इन सबसे परपेंडिकुलर थी, कैन यू से दिस, एक परपेंडिकुलर एक्सेस थी जिस एक्सेस को हम C3 कहते थे। उस एक्सेस पर आपको 3 बार घुमाना पड़ेगा, 3 बार रुकना पड़ेगा। मतलब 360 डिग्री का जब चक्कर लोगे ना तो बीच में आपको 3 बार रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर आपको उस जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एक्सेस को जो हाईएस्ट ऑर्डर की है, जिसका ऑर्डर मैक्सिमम है, क्योंकि वहाँ, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, 120 डिग्री का रोटेशन है और C2 एक्सेस में कितने का था? 180 डिग्री का रोटेशन था। तो जहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन कम होता है, यानी ऑर्डर मैक्सिमम होता है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। अब ये तो तब पॉसिबल होगी ना जब आपके पास अलग से कोई हाई ऑर्डर वाली एक्सेस होनी चाहिए, यू हैव अ डिफरेंट ऑर्डर का एक्सेस। जैसे यहाँ पे C3 एक्सेस थी, बाकी जगह पे C2 थी। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप, यहाँ पर एक एक्सेस थी प्रिंसिपल एक्सेस, कौन सी थी? C3। उसके अलावा सेकेंडरी एक्सेस थी आपके पास 3 C2 एक्सेस। मतलब C2 एक्सेस कितनी होंगी वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल एक्सेस का ऑर्डर कितना है। जैसे यहाँ मैं ना एक एग्जांपल लूँगा लास्ट में बेंजीन का, आपको वहाँ से इस चीज़ के बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल चलते हैं अगले एग्जांपल पे। दिस इज इथिलीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल में आपको कितनी एक्सेस कहाँ कहाँ दिख सकती हैं जहाँ पर आप रोटेशन करवाएं। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से इस बीच में से एक एक्सेस जो है
वो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जेड एक्सेस है, कौन सी एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, क्या इस मॉलिक्यूल को जेड एक्सेस के थ्रू कितने डिग्री से घुमाऊँ कि मुझे आइडेंटिकल यानी इक्विवेलेंट जिसको मैं कहता हूँ जैसा मेरा मॉलिक्यूल है वैसी ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर 90 डिग्री से घुमा दो। जी नहीं, 90 डिग्री से घुमा के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ अगर मैं 90 डिग्री से घुमाऊँगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। कोई फ़ायदा हुआ क्या 90 डिग्री से घुमा के? क्योंकि देखो ये एंगल है ऐसा, इसका 90 डिग्री तो यही हो गया ना सर, कोई फ़ायदा नहीं है 90 डिग्री से घुमा के। तो कितने डिग्री से मुझे घुमाना चाहिए? तो अगर मैं इस एक्सेस को अपना रेफरेंस फिलहाल मानूं तो सर एक काम करो 180 डिग्री से घुमा दो। कितने डिग्री से? 180। एक हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस मान लेते हैं, ये वाला जो मेरा हाइड्रोजन है जब तुम इसे 180 डिग्री से घुमाओगे तो वो वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। 180 डिग्री तो ऐसे देख लो ना, यहाँ से अगर एक लाइन क्रॉस करूँ ऐसे मारूँ तो देखो 180 डिग्री का रोटेशन हो गया, मॉलिक्यूल वहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, वो हाइड्रोजन एटम। अच्छा एक काम कीजिए, अब दोबारा एक और बार 180 डिग्री का रोटेशन मारिए। देखो जब इस हाइड्रोजन की पोजीशन बदली है तो बाकी सारे हाइड्रोजन की भी तो पोजीशन एक्सचेंज हो गई होगी। ये वाला हाइड्रोजन वहाँ गया होगा, ये वाला वहाँ पहुँच गया होगा, ये वाला उधर चला गया होगा, वो वाला। अब सोचिए इसको घुमा के देखिए, आप इमेजिन कीजिए, एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये वाला जो हाइड्रोजन था वो इस पोजीशन पे आ गया। दोबारा 180 डिग्री का रोटेशन कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन जो था दोबारा 180 डिग्री का रोटेशन करोगे, सी यहाँ नहीं आएगा, 180 डिग्री कर रहे हो, रुकना मत, हाँ यहाँ पहुँच जाओ। तो क्या लगता है ये कौन सी एक्सेस है? सर 180 डिग्री से कर रहे हो तो पहला रोटेशन करोगे तो इक्विवेलेंट मिलेगी, दूसरा रोटेशन करोगे तो ओरिजिनल आ जाएगी दोबारा। मतलब ये मेरी एक्सेस सी टू एक्सेस है, पहली सी टू एक्सेस मुझे मिल गई जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द प्लेन। याद रखना ये जो एक्सेस आप देख रहे हो ना, ये एक्सेस, इस एक्सेस को हम कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। अब आपने ये है ना, आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा लेंस के बारे में पढ़ा होता, हमने ऐसा लेंस पढ़ा था, फिर हम बोलते थे ये नॉर्मल लाइन आ रही है जो कि परपेंडिकुलर होती थी, फिर इसको हम बोलते थे इंसिडेंट रेडिएशन जो एक एंगल बनाती थी। तो सेम फंडा आप यहाँ लगा सकते हो कि आपने ये भी पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, धरती आपको एक, आप धरती के ऊपर एक नीचे फोर्स लगाते हो, धरती आप पे फोर्स लगाती है, नॉर्मल समथिंग, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर निकलेगी उसे हम कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एक्सेस को खोजने की कोशिश करते हैं। सी इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं यहाँ से एक एक्सेस को ड्रॉ कर दूँ जो कि कार्बन कार्बन को चीरते हुए जाएगी वहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ अगर मैं रोटेशन करवाऊँ, एक हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते हैं, ये वाले हाइड्रोजन को, देखो सर ये तो वही हो गया, ऐसे गोल घुमाना इस तरीके से, तो ये हाइड्रोजन गोल घूम के यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन गोल घूम के यहाँ आएगा तो ये हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा। कितने डिग्री से रोटेशन करा रहे हो? सर यहाँ पर भी 180 डिग्री से रोटेशन करवाना पड़ रहा है। तो मुझे बताइए जो मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा ये हाइड्रोजन, डोंट यू फील ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा? अच्छा एक काम कीजिए, फिर से इसको 180 डिग्री से रोटेशन कराइए, सेकंड रोटेशन कराइए इसका, तो सर जो हाइड्रोजन यहाँ आया वो दोबारा वहाँ चला जाएगा, सर मुझे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दोबारा मिल गई। तो डोंट यू फील ये वाली एक्सेस भी जो है वो भी सी टू एक्सेस है? जी हाँ सी टू एक्सेस है। एक और एक्सेस आप और इमेजिन कीजिए, आपको एक और एक्सेस यहाँ पे दिखाई देगी, मैं बताऊँ ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरीके से मॉलिक्यूल को गोल घुमाइए, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसे गोल घूमेंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन गोल घूम के वहाँ चला जाएगा, वो वाला हाइड्रोजन गोल घूम के यहाँ आ जाएगा, पीछे वाला हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, वो वाला गोल घूम के वहाँ आ जाएगा। कितने डिग्री से रोटेशन करवाना पड़ेगा? 180 डिग्री से। पहले 180 डिग्री से रोटेशन कराओ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरा 180 डिग्री से रोटेशन करवाना, मेरे पीछे है देखो, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया। मतलब सर ये वाली एक्सेस भी सी टू एक्सेस है। अब इस मॉलिक्यूल में विच इज इथिलीन मॉलिक्यूल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें सारी की सारी एक्सेस सी टू एक्सेस है, कोई सी थ्री एक्सेस है ही नहीं। तो अब मुझे बताइए प्रिंसिपल एक्सेस किसको कहें, सिंपल या सेकेंडरी एक्सेस किसको रहें? तो यहाँ एक सिंपल सा रूल याद रखना, जो एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकलेगी, जो एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाएगी वही हमारी अब यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। तो आप इसको प्रिंसिपल पी एल आएगा ना, पी ए एल मेन, हाँ प्रिंसिपल एक्सेस, समझ में आया, क्लियर है ये पॉइंट। इस एक्सेस को जिस डायरेक्शन में ये एक्सेस होती है उसे हम जेड एक्सेस कहेंगे, इसको हम एक्स एक्सेस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सेस मान लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ भी प्रिंसिपल एक्सेस गुजरेगी उसको जेड एक्सेस माना जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो सी थ्री था तो ये वाली जो एक्सेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जेड एक्सेस हो जाएगी।
क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आपकी जो सी टू एक्सेस हैं, सी टू एक्सेस वो सी थ्री एक्सेस के परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये बाकी की प्लेन में है, बट आपस में वो परपेंडिकुलर नहीं है भाई। अगर मैं ये ग्रीन कलर की जो एक्सेस है इसको लूँ और ये रेड कलर की एक्सेस इसको लूँ, तो इसमें तो 120 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे सी टू एक्सेस आर नॉट परपेंडिकुलर टू सी टू एक्सेस, बट सी टू एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू सी थ्री एक्सेस। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल में मुझे बताइए पहली एक्सेस ये गुजरी इधर से, जी सर, दूसरी एक्सेस ये वाली गुजरी मॉलिक्यूल में से इस तरीके से, जी सर गुजर गई, और तीसरी एक्सेस ये वाली गुजरी यहाँ से। अब मुझे एक बात बताइए, ये सी टू एक्सेस, ये सी टू एक्सेस, ये सी टू एक्सेस, डोंट यू फील सारी सी टू एक्सेस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, एंड एक यूनिक पॉइंट से गुजर रही हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा। तो आई होप इथिलीन मॉलिक्यूल क्लियर है। चलते हैं एक और मॉलिक्यूल की तरफ। मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर तो आप इसको लीनियर नहीं कह सकते, ये टू डायमेंशनल में प्रेजेंट है, ये सारे टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, आप इसको लीनियर मॉलिक्यूल कह सकते हो। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन में कोई एक्सेस है? भाई सर मुझे तो दिखाई दे रही है पहली एक्सेस, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दूसरी एक्सेस को मैं चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ इस तरीके से, कैन यू सी दिस, तीसरी एक्सेस जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में से गुजर के जाएगी इस तरीके से। अब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में से गुजर के जा रही है, इस एक्सेस का क्या फ़ायदा? सर इस एक्सेस पे अगर मैं घुमाऊंगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपनी ही जगह पे स्पिन करेगा ना, अपनी ही जगह पे स्पिन करेगा, कुछ होने वाला तो है नहीं उसके अंदर। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मान लीजिए दो स्पेयर हैं और दो स्पेयर को आपने इस तरीके से बांध दिया और आप इस रोटेशन से, इस एक्सेस से आप उन्हें रोटेट करवा रहे हैं, तो वो अपनी ही जगह पे रोटेट करने वाले, यानी मैं एक तरीके से कहूँ तो स्पिन करने वाले हैं अपनी जगह पे। तो इस एक्सेस को हम कहेंगे सी इन्फिनिटी। क्यों सी इन्फिनिटी? वहीं के वहीं पे कोई एंगल में ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री, 20 डिग्री, इवन 0 डिग्री भी अगर आप करते हो, 0 डिग्री का भी चेंज लाते हो, तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूल वहीं के वहीं पे घूम रहा है। तो जब आपके पास एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है जैसे HCl, तो यहाँ पर भी इस एक्सेस को सी इन्फिनिटी एक्सेस कहा जाएगा, जिसके अक्रॉस अगर मैं मॉलिक्यूल को घुमाता हूँ तो मॉलिक्यूल ऐसा लगेगा वहीं के वहीं पे स्पिन कर रहा। समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूँ, क्या ये जो मेरी एक्सेस आप देख रहे हो, कैन यू सी दिस एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या मैं इसको सी टू एक्सेस कह सकता हूँ? आराम से। अगर मैं पहले बार वहाँ रोटेशन करूँगा, अगर मैं वहाँ रोटेट करवाऊँ, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा ये हाइड्रोजन घूम के वहाँ चला जाएगा और वो वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर और दोबारा करवाऊंगा दूसरी बार तो वो सेम पोजीशन वापस ले लेगा। आपको नहीं लग रहा ये वाली एक्सेस में अगर मैं ऐसे रोटेट करवाऊं तो भी वो फ्लिपिंग हो सकती है? अब इसको मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया, इफ़ यू रिमेंबर एंड ओवर एंड रोटेशन, आपको पता है जब हाइड्रोजन की पोजीशन रिलेटिव पोजीशन बदलती है तो उसे हम एंड ओवर एंड रोटेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, सीधे कि अगर ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा हाइड्रोजन है, अगर मैं इस एक्सेस के अक्रॉस घुमा रहा हूं, तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा, पहले 180 डिग्री पे वहाँ जाएगा, दूसरे 180 डिग्री पे यहाँ आएगा। अच्छा, अगर मैं एक्सेस बदल दूँ, अगर मैं एक्सेस बदल के यहाँ से गोल घुमाऊँ, तो अब ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला फंडा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऊपर से यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन नीचे से। अरे बट एट द एंड ऑफ द डे है तो 180 डिग्री का रोटेशन, तो ये भी सी टू एक्सेस है, ये भी सी टू एक्सेस है, ये सी इन्फिनिटी है। अब हमारा प्रिंसिपल का फंडा क्या कहता? हाइएस्ट ऑर्डर। अब इन्फिनिटी से बड़ा कोई नंबर होता है क्या? तो ये मेरी क्या हो जाएगी? ये मेरी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस। लॉजिक समझ में आया क्या? अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या सी टू एक्सेस एच सी एल में प्रेजेंट है? क्या सी टू एक्सेस एच सी एल में प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमा भी दूँ, मैं 180 डिग्री से चलो घुमा देता हूँ इस एक्सेस के अक्रॉस, चलो ऐसे नीचे लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सी एल मिलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट है क्या? नहीं। उसके जैसा है क्या? नहीं, क्योंकि क्लोरीन इधर है, हाइड्रोजन इधर, देख के समझ में आ रहा है अलग है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या कोई सी टू एक्स 180 डिग्री का यहाँ रोटेशन करने का कोई फ़ायदा मिला क्या मुझे? कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ 180 डिग्री का रोटेशन करने का फ़ायदा है, वो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, जादू एक जैसा दिखेगा। एक जैसा दिखेगा वो वही नहीं है, 360 घुमाओगे दोबारा 180 करोगे तो वो उसके जैसा आएगा, हाइड्रोजन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा जो जहाँ था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो देर इज़ नो सी टू एक्सेस, यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी, सी इन्फिनिटी प्रेजेंट है। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक ऑन दिस।
and have a conversation with your friends and comment in the comment section. हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जो मेरे पास प्रेजेंट है, ये वाली एक्सेस जो आप देख रहे हो, ये सी इन्फिनिटी है. आप मुझे बताइए यहाँ पे सी टू एक्सेस कितनी होंगी, हाउ मैनी सी टू एक्सेस विल बी प्रेजेंट. देखिए एक सी टू एक्सेस तो मुझे यहाँ दिखाई दे गई, इसके अलावा और कितनी सी टू एक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ आपको एक फंडा बताया इस मॉलिक्यूल में, बी एच थ्री मॉलिक्यूल में सी थ्री एक्सेस थी, तो तीन बार सी टू एक्सेस प्रेजेंट थी. लॉजिक समझा? तो क्या बताइए यहाँ पर कितनी होंगी. तो इन्फिनिटी, सी इन्फिनिटी हाइएस्ट प्रिंसिपल है, तो क्या सी टू एक्सेस भी इन्फिनिटी हो जाएंगी? क्या इनफाइनाइट टाइम सी टू एक्सेस होंगी? अगर होंगी तो कैसे होंगी, थोड़ा दिमाग लगाइए ना. आगे बढ़ते हैं एक और मॉलिक्यूल की तरफ. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर मॉलिक्यूल एंड दैट इज़ माय फेवरेट, जिसको हम कहते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल. देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल को अगर आप ड्रॉ करो, क्योंकि मैं इस मॉलिक्यूल से बहुत डरता हूँ, बड़ा डराया इसने मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जब मैं मास्टर्स में था, बड़ा डराया, खतरनाक मॉलिक्यूल है. सी हमें पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होता है. मेरे को डबल बॉन्ड से लेना देना नहीं है, मुझे कार्बन से लेना देना है. मैं एक कार्बन को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ड्रॉ वन कार्बन ओवर हियर एंड लेट अस से कि मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेस है, एक एक्सेस यहाँ से गुजर रही है. अब अगर ये एक एक्सेस यहाँ से गुजर रही है, मुझे बताइए इस एक्सेस पर कितना रोटेशन करूँ. देखो 360 रोटेशन करूँगा तो घूम के वहीं आ जाएगा. कितना रोटेशन करूँ कि मुझे इस मॉलिक्यूल में जितने कार्बन जो है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, है ना, कार्बन तो कार्बन ही होता, कि मुझे आइडेंटिकल यानी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिले. तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है. सर एक काम कीजिए ना, 360 डिग्री का आपका रोटेशन ओवरऑल अगर घुमा के लाऊं तो यहाँ आएगा. एम आई राइट? 360 डिग्री से घुमा के लाऊंगा तो वो यहाँ आ जाएगा. मैं कितने डिग्री से घुमाऊं? सर एक चीज़ तो समझ में आ रही है देख के, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ करूँगा, इतना एंगल घुमा दो, ये यहाँ चला जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा. सर देखिए इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी. फिर दूसरी बार घुमा दो, सीधी से दूसरी बार घुमा दीजिए, फिर इक्विवेलेंट, क्योंकि कार्बन कार्बन की पोजीशन शिफ्ट होती जाएगी. सर तीसरी बार घुमा दीजिए, तीसरी बार घुमा दीजिए, ये कार्बन कार्बन की पोजीशन, देखो इस कार्बन को ट्रेस करो, ब्लैक कार्बन को ट्रेस करते चलो. पहली बार घुमाओगे कार्बन यहाँ आएगा, ब्लैक कार्बन यहाँ आएगा, यहाँ से इरेज कर देते हैं उसको. दूसरी बार घुमाओगे ब्लैक वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से इरेज कर देते हैं उसको. तीसरी बार घुमाओगे ब्लैक कार्बन यहाँ आ जाएगा. चौथी बार घुमाओगे ब्लैक कार्बन जो था वो यहाँ आ जाएगा. पांचवी बार घुमाओगे ब्लैक कार्बन यहाँ आ जाएगा, वहाँ से घुमा रहा हूँ ऊपर से पकड़ के मॉलिक्यूल को. और छठवीं बार घुमाओगे, सिक्स्थ टाइम, तो यहाँ आ जाएगा कार्बन. मतलब सर ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए मुझे 6 बार उसको खट 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 करना पड़ेगा. मतलब 360 डिवाइडेड बाय सम टीटा विल बी इक्वल टू 6. मतलब ये एक्सेस C6 एक्सेस है. ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए 6 बार घुमाना पड़ा, और 6 बार जब मैं घुमा रहा हूँ उसमें से 5 बार घुमाने पर मुझे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिला, और 6th टाइम घुमाने पर मुझे आइडेंटिकल जो ओरिजिनल था वो कॉन्फ़िगरेशन मिला. देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझ सको तो समझ लेना. ये कार्बन से शुरू करते हैं, मान लीजिए कार्बन यहाँ पर है, पहला रोटेशन करो यहाँ लेके आओ, तो कार्बन अब यहाँ आ जाएगा, बाकी के सारे कार्बन शिफ्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली. पहला रोटेशन, दूसरे रोटेशन पे ये कार्बन यहाँ चला जाएगा, बराबर है. तीसरे रोटेशन पे कार्बन यहाँ जाएगा, चौथे रोटेशन पे कार्बन यहाँ जाएगा, पांचवे रोटेशन पे कार्बन. देखो 5 रोटेशन तक आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, पर 6th रोटेशन पर 6th बार खट करोगे, ताले में चाबी लगा देना, खट 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 खट, लास्ट टाइम खुल गया, सेम 6th टाइम रोटेशन किया, मेरा कार्बन वापस से उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था. तो बीच में 5 बार उसे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिली और 6th टाइम वो वहीं पे आ गया. तो 360 डिवाइडेड बाय टीटा गिव्स यू 6, आंसर 6 आना चाहिए क्योंकि 6 बार रोटेशन किया. तो 360 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स यू टीटा, आंसर मुझे बताना. 6 6 36 होता है, 60 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ आने के लिए. दिस एंगल ओवर ईयर इज 60 डिग्री. अब देखो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक सिंपल तरीका बताता हूँ. ये पॉलीहेड्रॉन बनाएगा, कितने कॉर्नर वाला पॉलीहेड्रॉन है? 6 कॉर्नर वाला पॉलीहेड्रॉन है, 6 कॉर्नर है, इसलिए C6, ठीक है. आप अगर BH3 की बात कीजिए, BH3 अगर बना रहा है तो कितने कॉर्नर वाला एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, कितने पॉइंट वाला? 3 पॉइंट वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, इसीलिए C3 एक्सिस. बट ये जो आपने अभी देखा ना C3, 3 ट्रायंगल,
ये पॉलीहेड्रॉन परफेक्ट बनना चाहिए, परफेक्ट पॉलीहेड्रॉन बनना चाहिए, जो सीट ये इथिलीन में नहीं था, क्योंकि यहाँ ये ना रेक्टेंगल जैसा ऐसा एक साइड में एलोंगेटेड है, वहाँ साइड में कंप्रेस है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ अलग है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ अलग है, तो ये परफेक्ट पॉलीहेड्रॉन नहीं बनाएगा यहाँ पे। यहाँ परफेक्ट पॉलीहेड्रॉन बनेगा अल्कीन में, बेंजीन में, तो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स वाला है, 6 कॉर्नर वाला है, और हर कॉर्नर का बॉन्ड लेंथ इक्वल है। अब तुमको लग रहा है ये ड्रॉ करते समय कार्बन कार्बन मैंने दूर बनाया है, क्योंकि वो 3D में समझाने की कोशिश करिए, अगर नॉर्मल मैं ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, इस तरीके से। तो कार्बन 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 इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, यानी इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ एक प्रॉपर रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, एकदम इक्वल, जिसके सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे C6 एक्सेस आया, ये ट्रिक याद रखना आप। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे C2 एक्सेस कितने होंगे, इसको इमेजिन आप करोगे, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आया तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स रोटेशनल एक्सेस प्रेजेंट इन बेंजीन, आप उसमें देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको रोटेशनल एक्सेस और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मिला। अगर आपको किसी और मॉलिक्यूल में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अगले वीडियो में मैं अलग अलग मॉलिक्यूल लूँगा और उसमें अलग अलग आपको प्रिंसिपल एक्सेस C2 एक्सेस आपको निकालना सिखाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।